हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने पनीर टिक्का बनाने वाली हूँ, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस पनीर टिक्का को प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पर एक बड़ी साइज का मिक्सिंग बोल ले लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप थिक कर्ड यानी कि दही, जिसका मैंने पानी निकाल दिया है स्ट्रेन करके, तो इसमें ऐड कर लेंगे। ध्यान रहे ये गाढ़ा होना चाहिए। और इस दही में हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये बहुत कम तीखी होती है और इससे हमारे पनीर टिक्का में बहुत ही अच्छा कलर आता है। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर और यहाँ पर 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे अजवाइन और 1 टीस्पून यहाँ पर ऐड करेंगे चाट मसाला, 1 टीस्पून ऐड करेंगे यहाँ पर आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे यहाँ पर क्यूमिन यानी जीरा, 1 टीस्पून ऐड करेंगे यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे कसूरी मेथी और ये आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, और 1 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे यहाँ पर लेमन जूस यानी नींबू का रस, और यहाँ पर 1 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल, आप इसकी जगह कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कलर के लिए हम यहाँ पर रेड फूड कलर ऐड कर लेंगे, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद हम नमक अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कर लेंगे और सॉल्ट और फूड कलर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर ऑनियंस को ऐसे बड़े बड़े शेप में कट कर रखा है, साथ ही यहाँ पर कैप्सिकम को भी ऐसे ही कट कर रखा है, तो इसे इसमें ऐड कर लेंगे। कॉटेज चीज़ ऐड करेंगे, इसे मैंने बड़े बड़े शेप में कट कर रखा है, इसे ऐड कर लेंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसे मुझे पहले ही ऐड करना था लेकिन मैं इसे मिस कर गई हूँ, तो इसे जब आप दही ऐड करें तभी इसको ऐड कर लें, तो इसे मैं यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ। और इस जिंजर गार्लिक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें, और आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लिया है। तो इसे हमें मैरिनेट करने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना होता है। अगर आप इसे ओवरनाइट रखते हैं तो और भी अच्छा होता है। और इसके ऊपर हम क्लिंग रैप को लगा देते हैं और इसमें एयर ना लगे मैरिनेशन के दौरान। और अब हम इसे 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और मलाई पनीर टिक्का बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बड़ी साइज़ का मिक्सिंग बोल ले लेंगे और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे यहाँ पर 1 कप दूध की मलाई और साथ ही इसमें 2 बड़े चम्मच हम ऐड करेंगे दही जो कि थिक है, जिसका मैंने पानी पहले ही निकाल दिया है। और इस मलाई और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने मलाई और दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इस बोल में ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पर अजवाइन को ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून ऐड करेंगे चाट मसाला और 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे हम यहाँ पर क्यूमिन, 1 टीस्पून ऐड करेंगे यहाँ पर कसूरी मेथी और ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड कर लेंगे और मैं यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर नॉर्मल सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे लेमन जूस और यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे वेजिटेबल ऑयल, आप यहाँ पर कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और हम सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस पनीर टिक्का को अगर आप चीज़ी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा चीज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मोज़रेला और सेडा चीज़ का ब्लेंड ऐड कर रही हूँ, आपके पास जो भी चीज़ें इसमें ऐड कर लें। 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पर चीज़ ऐड कर रहे हैं और इस चीज़ को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे हमारा पनीर टिक्का बहुत ही चीज़ी बनेगा। और अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर बड़े बड़े शेप में कैप्सिकम और ऑनियन को कट कर रखा है, इसे हम ऐड कर लेंगे इसमें, आप यहाँ पर रेड कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम यहाँ पर कॉटेज चीज़ ऐड कर लेंगे और सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और आप इस जिंजर गार्लिक पेस्ट को पहले ही ऐड कर लें, मैं इसे मिस कर गई थी तो इसे मैं अभी ऐड कर लेती हूँ। अब हम इस जिंजर गार्लिक पेस्ट को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस पनीर टिक्का को प्रिपेयर करने के लिए हमें इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ना होता है। और अगर और भी टेस्टी इस पनीर टिक्का को आप बनाना चाहते हैं तो आप इसे ओवरनाइट रख सकते हैं, उससे क्या होता है बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो जाता है। और इसको मैरिनेट करने के लिए इसके ऊपर हम क्लिंग रैप को लगा देते हैं इसे और इसे कवर कर देंगे। तो इसी तरह आपको कवर कर लेना है, अगर आपके पास एक क्लिंग रैप नहीं है तो आप इसकी जगह नॉर्मल प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे कवर करने के लिए। तो चलिए इसे हम 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं, फिर उसके बाद इसे हम पनीर टिक्का प्रिपेयर करते हैं।
और इसे फ्रिज में रखे 2 घंटे हो चुके हैं, तो इसकी क्लिंग रैप को हम ऐसे हटा लेंगे और ये हमारे पनीर टिक्का अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं। और ये स्क्रूवर्स आसानी से मार्केट में मिल जाता है, आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसे फ्रिज से निकालने के बाद भी आप इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, तो ये मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इस स्क्रूवर में वेजिटेबल को अरेंज करेंगे और इस पनीर को ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर कैप्सिकम ऐड करेंगे और ऐसे ही हम ऑनियन के पीस को ऐसे कर लेंगे और इसी ऑर्डर में हम बाकी सारे वेजिटेबल्स को अरेंज कर लेंगे। तो इस पनीर टिक्का वाले स्क्रूवर को इस बेकिंग डिश में रख देते हैं ऐसे, और इस स्क्रूवर को यूज़ करने से पहले आप इसे पानी में भिगा दें तो इससे ये बर्न नहीं होती है। और इसे मुझे फ्रिज में रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब हम इसे चेक करेंगे, इसकी क्लिंग रैप को हटा लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो चलिए इन्हें हम स्क्रूवर्स में अरेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा स्क्रूवर रेडी है, तो चलिए इसे अब हम रख लेते हैं बेकिंग डिश में और अब हम इसमें ऑयल अप्लाई कर लेंगे। आप इसमें कोई भी वेजिटेबल ऑयल ऊपर से अप्लाई कर लेंगे, बटर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने इसमें ऑयल अच्छे से अप्लाई कर दिया है और हमारा ओवन अच्छे से प्री हीट हो चुका है। तो चलिए इस पनीर टिक्का के बेकिंग ट्रे को इसके अंदर रख देते हैं। और आप इस पनीर टिक्का को कई सारे मोड्स में बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप केवल माइक्रोवेव मोड पर इसे बना सकते हैं, और अगर माइक्रोवेव में इसे कुक करना चाहते हैं तो पावर लेवल के साथ आपको 2 मिनट का टाइम यहाँ पर सेट करना होता है। आप इसे 100 पावर पर इसे आप कुक करेंगे, अगर आप इसे कुक करते हैं। पावर लेवल कैसे सेट करना है इसका वीडियो भी मैंने शेयर कर दिया है। 2 मिनट का टाइम और हाई पावर पर इसे आप कुक करेंगे तो आपके पनीर टिक्का रेडी हो जाएंगे। और अगर आप ग्रिल मोड पर इसे कुक करना चाहते हैं तो आपको 25-30 मिनट का टाइम केवल ग्रिल मोड पर लगता है इस पनीर टिक्का को प्रॉपरली कुक करने के लिए। और साथ ही आप इसे माइक्रो प्लस ग्रिल में भी कुक कर सकते हैं, इसमें आपका समय बहुत ही कम लगता है, केवल 6-8 मिनट में आपका पनीर टिक्का रेडी हो जाता है। और साथ ही इस काम को आप ग्रिल प्लस कन्वेक्शन में भी कर सकते हैं, ग्रिल प्लस कन्वेक्शन में भी आपको नॉर्मल ग्रिल के कंपैरिजन में थोड़ा कम समय लगता है, क्योंकि ग्रिल और कन्वेक्शन मोड साथ साथ काम करते हैं, तो इससे आपका पनीर टिक्का और भी जल्दी रेडी हो जाता है। ग्रिल प्लस कन्वेक्शन में आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर सेट करेंगे, को टाइम यहाँ पर 25 मिनट का सेट करना होता है। और इस पनीर टिक्का को ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड पर बनाने के लिए या फिर ग्रिल मोड पर बनाने के लिए इस ओवन को प्री हीट कर लेंगे आप। मैंने 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे प्री हीट कर लिया है। तो ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड पर आपको टेम्परेचर और टाइम कैसे सेट करना है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मैं आज इसे माइक्रो प्लस ग्रिल पर इसे मैं ग्रिल करने जा रही हूँ। माइक्रो प्लस ग्रिल बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 आएगा। आप देख सकते हैं CO01 और CO02। इसमें दोनों कॉम्बिनेशन में से कोई भी कॉम्बिनेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा अंदर तक पकाना है तो आप कॉम्बिनेशन 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब हम इसमें कॉम्बिनेशन 1 वाले ऑप्शन को सेट करते हैं और इसमें हम मैक्सिमम 8 मिनट का टाइम यहाँ पर सेट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं 8 मिनट का टाइम मैंने सेट कर दिया है, वो भी माइक्रो प्लस ग्रिल मोड पर इसे मैंने सेट किया है। और अब हम इस स्टार्ट बटन को प्रेस कर लेंगे और इस पनीर टिक्का को कुक कर लेंगे। और आप देखेंगे कि थोड़ी देर इसमें माइक्रोवेव मोड चलेगा और थोड़ी देर इसमें ग्रिल मोड चलेगा। आप साउंड से आपको क्लियर हो जाएगा, जब माइक्रोवेव चलता है तो बहुत हैवी सी आवाज़ आती है और ग्रिल चलता है तो थोड़ी हल्की आवाज़ आती है, रॉड्स की आवाज़ आती है। तो आप इसको महसूस करेंगे जब आप इसे स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पनीर टिक्का रेडी हो गए हैं, तो चलिए इसे ओपन करके चेक करते हैं। तो ये देखिए बहुत ही गर्मा गर्म हमारे पनीर टिक्का रेडी हो गए हैं। तो इसे हम बाहर कर लेते हैं और इसे सर्व करते हैं और इसके ऊपर लेमन जूस को स्क्वीज़ कर देंगे। आप इसे हरी चटनी, मायो या फिर टोमेटो केचप के साथ गर्मा गर्म सर्व करें और एंजॉय करें इस रेसिपी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।